अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बख्त और आप देख रहे हैं PSEA TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसे कुछ ख़ास नौजवान मौजूद हैं जो लाहौर शहर की रंगीनियों और ज़िंदगी को अपनी कैमरे की आंख से पूरी दुनिया में दिखाकर पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उजागर कर रहे हैं। आज उन नौजवानों को पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा करवाया गया। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। वेलकम टू द शो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाउंडर ऑफ लाइफ एट लाहौर काशिफ साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच जी, आज आपने हम लोगों को टाइम दिया। लाहौर जो सा है, इस जैसा खूबसूरत शहर पूरी दुनिया में नहीं है जिन्हें लाहौर नहीं तक किया और जमिया ही नहीं, और जिसने लाहौर शहर की सेफ सिटी के बारे में नहीं जाना मेरे ख्याल से उसने कुछ भी नहीं जाना। लाहौर वाकई एक महफूज शहर है। इस प्रोजेक्ट ने लाहौर शहर को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया, एजुकेट किया लोगों को, और आप यकीन माने कि बड़ा दिल खुश होता है कि जब हम देखते हैं कि रात 2 बजे वाकई लोग और ये लाहौर के शहरी कानून को फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स रियली एम्पावरिंग जो सेफ सिटी का जो काम है। दौरान ब्रीफिंग बताया गया वीमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से, क्या समझती हैं ख्वातीन इसको देखे कितनी ज़्यादा कंसर्न है और कितनी हेल्पफुल है ये? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नो दैट दिस एप्लीकेशन एग्जिस्ट एंड इट सीम्स वेरी यूजफुल, और मैं तमाम ख्वातीन को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको इंस्टॉल करें। और मुझे बहुत खुशी हुई है ये जानकर के इस पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, एंड पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन टू इट एंड दे आर यूजिंग इट, एंड आई एम ग्लैड के अभी तक 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और सिर्फ ख्वातीन ने डाउनलोड नहीं किया बल्कि हमारे मर्द हजरात ने भी किया है, ताकि वो अपने ख्वातीन की हिफाजत को इंश्योर कर सकें और दूसरों को अवेयर कर सकें। सो सबसे पहले ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोगों को इसकी अवेयरनेस हो, जिस पर आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और जितने लोग अब हमें सुन रहे हैं मैं चाहूँगी कि वो भी इसको इंस्टॉल भी करें और इसके अवेयरनेस में भी हिस्सा लें, इसके बारे में बात करें, इस एप्लीकेशन को देखें। अब आप एम्बेसडर हैं वुमेन सेफ्टी ऐप के, चूँकि आपने ब्रीफिंग ले ली है, किस तरह इस मैसेज को आगे आप स्प्रेड करेंगी लोगों को, फीमेल्स को अवेयर करेंगी? हमेशा फीमेल्स को ये शिकायत रहती थी कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करती नहीं है, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करती। अब मैं फ़ीमेल्स को यही रेकमेंड करूँगी कि वो, मैंने भी खुद भी अब करूँगी कि मैं ये ऐप डाउनलोड करूँ और इसको जब भी कोई मुश्किल आए इसको ज़रूर यूज़ करें। कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। आज पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के विज़िट के बाद अब नेक्स्ट जब आप अपनी ये कम्पेन करेंगी, आप डिफरेंट सोशल फोरम्स पर आप लोग जाते हैं, किस तरह अब पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को पोर्ट्रेट करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के हवाले से? आज मुझे यहाँ आने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं हो रही हैं, हमारी सारी इन्वायरमेंट में पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं जो हम नहीं बताते हैं। तो मैं नेक्स्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बता सकूँ लोगों को, जितना अवेयर कर सकती हूँ मैं करूँगी इसके बाद। और दूसरा ये कि सिर्फ गर्ल्स को अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बॉयज़ को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें पता चल सके कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। आपने आज पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विज़िट किया, हाउ आर यू फीलिंग? आज जब मैंने ये विज़िट किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें प्रमोट होती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो कि प्रमोट नहीं हो रही, तो इस वजह से हमें लगता है कि शायद हो ही नहीं रहा। और लाहौर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे रही है, और कोई भी इशू हो तो आप 15 पे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज पुलिस इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप को फाउंडर भी हैं लाइफ एट लाहौर के, किस तरह को रिलेट करेंगे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को लाहौर के रंगों के साथ, फिर जो आप प्रोजेक्शन करते हैं पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के, हाउ डू यू को रिलेटेड विद दैट प्रोजेक्शन? हम आज स्पेशली पंजाब सेफ सिटी का हमने दौरा किया कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि यार लाहौर से सेफेस्ट सिटी कोई भी नहीं है, और थैंक यू पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी फॉर होस्टिंग अस, और हम पूरी कम्युनिटी का आज विजिट लेकर आए, और सारे कम्युनिटी मेम्बर्स भी ये कह रहे थे कि यार जो उन्होंने ऑपरेशन वगैरह देखे कि यार लाहौर किस तरह ऑपरेट करता है बेसिकली, तो थैंक यू पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी फॉर होस्टिंग अस, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, इस तरह के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को किस तरह की प्रोजेक्शन होनी चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग में? लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज जो हैं उनसे ज़्यादा है, तो हम जो हैं जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम लोग बींग द फोटोग्राफर्स इन्फ्लुएंसर्स और जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं थ्रू आर्ट प्लेटफॉर्म्स जो है, हम लोग
अवेयरनेस जो है इसको मतलब अवेयरनेस इसके बारे में स्प्रेड करते हैं, और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब हमें इन्होंने गवर्नमेंट ने इतना जो है स्टेप लिया फॉर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स। वेर आप पुलिस टेक्निकल ऑफिसर हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म में, और उसके साथ साथ आप इस प्लेटफॉर्म से अपने कैमरे के लेंस से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी उजागर करते हैं, क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? देखिए, मैं यहाँ पर पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी में एज अ पुलिस टेक्निकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ 2017 से, लेकिन इसके इम्प्लाई होने के साथ साथ मैं एक इंस्टाग्राम का पेज इन्फ्लुएंसर भी हूँ, इंस्टाग्राम का पेज भी रन कर रहा हूँ इंप्रेशन बाय उमर के नाम से। मैं अपने पेज के जरिए से पाकिस्तान के अवाम को और फॉरनर्स को ये उजागर करना चाहता हूँ, अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि हमारा कंट्री जो है वो बहुत खूबसूरत है। मैं डिफरेंट एरियाज़ की, डिफरेंट सिटीज़ की, डिफरेंट हिल स्टेशन पर जाकर अपने मोबाइल अपने कैमराज के जरिए से, कैमरे के लेंस के जरिए से डिफरेंट फोटोग्राफी करता हूँ, और इनसे लोगों को अवेयरनेस देता हूँ कि हमारा मुल्क एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नेचर वाइज और हैबिट वाइज हमारा मुल्क जो है वो बहुत खूबसूरत कंट्री है।